आने वाले 2-3 दिन च पंजाब के वख-वख हिस्सों च बारिश हो सकती है जिस कारण तापमान च गिरावट आएगी। इस नाल लोगों नूं गर्मी तो कुछ राहत मिलेगी। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी के मौसम विभाग की मुखी डॉक्टर पवनीत कौर किंगरा ने दस्या कि पिछले दिनों विच तापमान विच वाधा होया सी। हालांकि पछमी चक्करवात के प्रभाव कारण वख-वख थावां ते हल्की तो दरमियानी बारिश होगी। अगले 2-3 दिनों तक राज के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, इस कारण तापमान में गिरावट आएगी। उन्होंने किसानों को फसलों को हल्का पानी ना लाने की अपील की है। आने वाले 2-3 दिनों के पंजाब के गरज चमक नाल छिट्टे या तेज़ हवावां चल सकती ने। सो ये जो टैंपरेचर भी असी थोड़ी फॉल महसूस करा। मैम गर्मी जिस तरह बद रही दिन हूँ जिस तरह तुम दस कि बारिश के असार नहीं गर्मी पर कि फर्क पाएगा इसका आने वाले दिनों के टैंपरेचर 2-4 डिग्री तक असी फॉल ऑबजर्व कर सकते हैं जी। मैं फसलों की गल करिए कणक की फसल कट्टन का भी समा आ रहा अप्रैल दे विच ते फरवरी दे विच असार सी कि गर्मी के कारण खराब हो सकती है। मार्च दे विच किस तरह की स्थिति है? पिछले कुछ दिनों दे विच टैंपरेचर थोड़ा नॉर्मल तो उपर चल रहा सीगा जी, बट हुण क्योंकि WD सिस्टम जिहड़ा डिवेलप होया होया हैगा सो इहदे करके आने वाले दिनों दे विच असी टैंपरेचर विच भी फॉल ऑबजर्व करांगे। सो जिहड़ी टैंपरेचर की फॉल हैगी आ या कुछ शॉवर्स हुंदे ने उहदे नाल मॉइस्चर ये भी क्रॉप्स लई ठीक हैगा, बट यही है कि क्योंकि तेज़ हवावां चलण दे भी आसार ने सो आने वाले 2-3 दिनों दे विच फसल नूं पानी ना लाया जावे ताकि लॉजिंग ना हो सके। मैम किसानों नूं की अपील है भी किसान जिस तरह हुण बारिश भी होनी है फसल भी उन्हां चाहणी किसान किदां दे प्रिकॉशन लैण? किसानों लई मेन प्रिकॉशन इन्हां दिनों विच यही रहेगी जी कि कणक की फसल नूं हले पानी ना देण ताकि नुकसान ना होवे। ब्यूरो रिपोर्ट सेंट सोल्जर टाइम्स लुधियाना।